यहाँ से शुरू होती है श्री भूमि के पंडाल की। यहाँ रास्ते में इतने सुंदर तरीके से लाइटिंग लगाई जाती है हर साल। तो गाइस दे रही श्री भूमि की पंडाल लाइटिंग पे अगर आप ध्यान दोगे तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है संजीव और आप सभी का मैं दुर्गा पूजा के एक न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइस मैं आया हूँ कोलकाता के श्री भूमि में, जहाँ पर कोलकाता की सबसे फेमस और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है और वो है वेटिकन सिटी। जी हाँ, काफी सुनने में आया कि यहाँ की लाइटिंग और बनावट बहुत ज्यादा सुंदर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ और आप सभी को भी दिखाता हूँ। तो फिलहाल आ चुका हूँ श्री भूमि, अब चलता हूँ आगे की तरफ और चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाऊंगा कि कोलकाता में दुर्गा पूजा कैसे धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि कोलकाता की सबसे फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ से शुरू होती है एंट्रेंस श्री भूमि के पंडाल को देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही कितनी अच्छी लाइटिंग कर दी गई है। तो अभी मैं जिस लाइटिंग की बात कर रहा था, देखो इसी लाइटिंग की मैं बात कर रहा था। यहाँ रास्ते में इतनी सुंदर तरीके से लाइटिंग लगाई जाती है हर साल। माँ दुर्गा रागो मोने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज ठाकुर पीठे पड़ल काठी। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, काफी खूबसूरत पंडाल बनाया है और लाइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो चलते हैं आगे की तरफ। बहुत लोग आए हुए हैं अभी से ही दुर्गा पूजा देखो यहाँ पर। और ये रही श्री भूमि की पंडाल द वेटिकन सिटी। अभी लगभग बज रहे 6:30, लेकिन अभी देखो भीड़ कितनी है। तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मूर्ति भी दिखाएंगे माँ दुर्गा की। तो ये रही श्री भूमि की वेटिकन सिटी के थीम पर बनाई गई पंडाल, जो कि सेंट पीटर्स बेसिलिका के थीम पर बनाया गया है जो कि वेटिकन सिटी में है। तो काफ़ी सुंदर लाइटिंग है भाई। तो फिलहाल अभी पंडाल के अंदर एंट्री नहीं है, ये शायद ये महल्ले के बाद से होगी। अभी यहाँ पर और थोड़े काम चल रहे हैं पंडाल को बनाने में। तो आगे की तरफ चलता हूँ और माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी दिखाता हूँ। और लाइटिंग पे अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहाँ गुंबद पर देखो ब्लू कलर की लाइटिंग की गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर देखो नीचे में बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है। यहाँ पर भीड़ देखो ज़रा। देखो पंडाल के अंदर जो माँ दुर्गा की मूर्ति है उन्हें भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और चर्च तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। फिलहाल ये पंडाल है लेकिन चर्च के थीम पर बनाया गया है ना, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की। यहाँ पर देखो स्टैचू जो मैंने दिखाया था जब प्रिपरेशन हो रहा था इसका, तो यहाँ पर सारे स्टैचू लगाया गया। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है इसीलिए एंट्री नहीं दिया जा रहा है किसी को भी। और यहाँ पर भी लाइटिंग होगी, अभी फ़िलहाल काम हो रही है ना, तो इसीलिए अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। कब खुलेगा सर ये पंडाल? मंडे 6 PM ना। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कि मंडे को 6 PM में पंडाल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे वहाँ पे लाइटिंग है, फिर वहाँ पे काम चल रही है। पंडाल तो मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे गार्ड भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लोग आगे बोल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है ना यहाँ पर। तो चलते आगे की तरफ और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई यहाँ पर। सच बताऊं तो अभी से इतनी भीड़ है, सोचो दुर्गा पूजा में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि यहाँ पीछे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन अब सोचो जब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगी ना तो इसी पंडाल को देखने के लिए 2-3 घंटे लाइन लगाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं पहले आ गया आप सभी को दिखाने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो भीड़ देखो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है ना बढ़ती जा रही है इस पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि क्रेज बहुत ज़्यादा है श्री भूमि के पंडाल का हर साल। तो फिलहाल पंडाल तो हमने देख लिया है, चलते हैं आगे की तरफ। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिलहाल गाइस हम लोगों ने पंडाल तो देख लिया, अब आ गए हैं बाहर। तो काफ़ी सुंदर था पंडाल और लाइटिंग बहुत ज़्यादा लाजवाब थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दुर्गा पूजा काफ़ी पसंद आ रहा होगा और दुर्गा पूजा के ब्लॉग्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर से एक फेमस पंडाल के साथ, तब तक के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म।
तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।